हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हॉस्पिटल में जब भी हम इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो एज ए नर्सिंग स्टाफ हो आगे एचआर वाले आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, क्या क्या वो आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, ये सब डाउट आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो कभी भी हम हॉस्पिटल में जाते हैं, कोई भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है कि यार मैं हॉस्पिटल इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, हॉस्पिटल थोड़ा बड़ा है यार, पता नहीं क्या क्या वहाँ पे मेरे से पूछेंगे, क्या क्या सवाल करेंगे। तो ये सोच के ना हम थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं कि यार पता नहीं मेरे से इंटरव्यू क्लियर होगी या नहीं होगी, एचआर वाले पता नहीं क्या क्या पूछ लेंगे। तो और थोड़ा वो कॉन्फिडेंस हमारा वैसे ही लूज़ हो जाता है, और जब हम बाहर एचआर में जाते हैं, एचआर के बाहर हम बैठे होते हैं, तो और भी कई कैंडिडेट आके बैठे होते हैं, आपके जैसे और भी कुछ लोग इंटरव्यू देने के लिए आए होते हैं, तो उनको देख के जब उनका भी ऐसे नर्वस होके बैठे रहते हैं, तो उनको देख के हमारा जो कॉन्फिडेंस है ना, वो और ज़्यादा लो हो जाता है। तो जब आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है ना, तो 50% आप समझ लो कि आप वहीं पे इंटरव्यू से मतलब आपका क्लियर नहीं होगा। तो इससे सबसे बढ़िया है कि सबसे पहले आपको जो अपना कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट अप करके रखना है। कभी भी हॉस्पिटल में इंटरव्यू के लिए जाते हो तो अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, उसको एकदम पीक पे रखना है। ठीक है, पीक पे रखने का मेरा मतलब है बस कॉन्फिडेंस को पीक पे रखना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट कभी भी नहीं होना है। अगर आपसे कोई इंटरव्यूअर कुछ पूछ रहा है ना, तो जो आपको आंसर आता है बस उतना ही आंसर दो, उससे ज़्यादा आंसर नहीं देना है। और ओवर कॉन्फिडेंट नहीं करना है कि आपको अगर कुछ नहीं आता तो आप ऐसे ही अपने से चौके छक्के लगा रहे हो, अपने से ही उसको तोड़ मरोड़ के कुछ ऐसे ऐसे करके बोल रहे हो, तो एग्ज़ामिनर को उसी टाइम पता चल जाता है कि हाँ भाई ये चौके छक्के लगा रहा है, अब इसी इसको यहीं पे फंसाता हूँ। ठीक है, तो ये गलतियाँ नहीं करनी है आप जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हो। बाकी मैं आपको कुछ टॉपिक बताऊँगा जो जो आपको पढ़ के जाने, जो आपको रेडी करके जाने हैं, वो टॉपिक आप रेडी कर लोगे तो आई होप कि आप कोई भी इंटरव्यू ऐसी नहीं होगी कि जो आप क्लियर नहीं करोगे एज ए नर्सिंग स्टाफ, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओ। ठीक है, जो मैं बताऊँगा बस वही आप पढ़ के जाओ, तो आप 110% गारंटी है कि आप क्लियर हो जाओगे। बाय चांस अगर नहीं भी होते तो तुम्हारा भाई बैठा है, कभी भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं दिल्ली काम करता हूँ, मैं आपको अपने हॉस्पिटल में लगवाऊँगा। ठीक है, तो बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, हम अपनी वीडियो पे आते हैं। तो जो मेन चीज़ है, हॉस्पिटल में क्या क्या आपको क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो आपको हम आज मैं बताऊंगा, और आप वो पढ़ के जाओ, तो कोई भी ऐसी इंटरव्यू नहीं जो क्लियर नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन मेन क्या क्या शुरू हम करते हैं वाइटल साइंस से। वाइटल साइंस जो सबसे मेन है, हर किसी को पता ही होता है, वो हमने पढ़ के जाना है। उसमें बीपी, पल्स, टेम्परेचर और ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल क्या क्या होता है वो पूछते हैं। और फिफ्थ वाइटल साइन जो जिसको पेन बोलते हैं, वो भी वाइटल साइन में ही इंक्लूड होता है, और इसके बारे में भी पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, सेकेंडली आपको जो हाई रिस्क मेडिसिन है वो आपको पढ़ के जानी है, और दो चार अगर वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि हाई रिस्क मेडिसिन कौन कौन सी होती है, हाई रिस्क मेडिसिन को कैसे आप देते हो, अगर आपके पास कोई पेशेंट है उसको आपने हाई रिस्क मेडिसिन कोई एडमिनिस्टर करनी है, तो उससे पहले आप क्या क्या चेक करोगे, क्या क्या करना है, डॉक्टर्स के ऑर्डर ये वो टीएल्स के सामने देना है, ये सब चीज़ें आपको पढ़ के जानी है। और दो चार कोई भी हाई रिस्क इंजेक्शन आप पढ़ लेना जो हम मेन यूज़ करते हैं। एमरजेंसी ड्रग्स है जो मतलब हर इंटरव्यू में पूछते ही पूछते हैं कि एमरजेंसी ड्रग्स कौन कौन सी होती है, चाहे आप वार्ड में काम कर रहे हो, चाहे आप आईसीयू में काम कर रहे हो, वो आपको पूछेंगे और आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप आईसीयू में कर रहे हो तो आपको इंटूबेशन का वो पूछ सकते हैं, आप बोलोगे कि मैम या सर हमें ना आईसीयू का एक्सपीरियंस है, तो वो आईसीयू के बारे में आपको पूछेंगे। तो इंटूबेशन का पूछेंगे कि आपको इंटूबेशन का पता है कैसे होता है, कौन सी कंडीशन में करना पड़ता है, ठीक है, और उसके लिए क्या क्या प्रिपेयर करना होता है, वो सब आपसे पूछेंगे। तो इंटूबेशन के बारे में आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, एक कॉपी ले लो और लिखते जाओ जो जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, वो सारे ही आपको पढ़ के जाने हैं, वाइटल साइंस, हाई रिस्क मेडिसिन, एमरजेंसी ड्रग्स, इंटूबेशन के बारे में नॉलेज, सेंटर लाइन कैसे इंसर्ट करते हैं, सीवीएल कैसे डालते हैं, क्या क्या उसके लिए सामान प्रिपेयर करना है वो भी आपको पता होना चाहिए,
और नेक्स्ट IV कैनुलाइजेशन कैसे करते हैं, कौन कौन सा कलर, वो आपको पूछ सकते हैं कौन कौन सा कलर होता है, क्या क्या कौन गॉज होता है, अगर आपने ब्लड देना तो कौन सा कैनुला लगाओगे, बच्चे को कौन सा कैनुला लगाओगे, उसके कलर वाइज आपको उसका साइज़ नंबर पता होना चाहिए, ठीक है। तो हैंड वॉशिंग नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कोई भी आप जाते हो तो आपसे हैंड वॉशिंग के स्टेप्स पूछ सकते हैं कि हाँ भाई हैंड वॉशिंग के स्टेप करके दिखाओ, तो 6 स्टेप है जो आपको वो पता होने चाहिए, वो आप पढ़ोगे, ठीक है। और 5 मूवमेंट्स जो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से होते हैं, कब कब मतलब आपको हैंड वॉशिंग करनी है, उसका मतलब है 5 मूवमेंट्स जो होते हैं नर्सिंग के हैंड वॉशिंग के, तो वो आपको बताना है उनको कि पेशेंट के रूम में जाने से पहले, पेशेंट को टच करने से पहले, कोई प्रोसीजर करने के बाद ये 5 मूवमेंट्स होते हैं, वो भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्पिल मैनेजमेंट। स्पिल मैनेजमेंट के बारे में एक्चुअली करना तो हाउसकीपिंग वाले स्टाफ ने होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है स्पिल मैनेजमेंट, तो कैसे करते हैं, तो उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं। जैसे कोई नीचे मान लो पेशेंट का आप सैंपल ले रहे हो, ब्लड नीचे गिर जाता है, तो ब्लड को कैसे साफ़ करना है, ठीक है। तो माइनर है, मेजर है, कितने 10 ml से कम है तो माइनर है, 10 ml से ज़्यादा है तो मेजर है, ये सब मतलब उसके बारे में आपको पढ़ना है। और जो स्पिल मैनेजमेंट किट होती है उसमें क्या क्या रखा होता है, कौन सा सोल्यूशन डालते हैं, कितने टाइम के लिए उसको रखना है, ठीक है, ये पढ़ना है। तो नेक्स्ट आते हैं VIP स्कोर, ठीक है। VIP स्कोर वो आपको पूछ सकते हैं, तो फिलबाइटिस के बारे में आपको पूछ सकते हैं कि पेशेंट को फिलबाइटिस हो गया है, उसका VIP स्कोर कितना होगा, कितने VIP स्कोर पे आप कैनले को रिमूव करोगे, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट जो बेड सोर होते हैं, प्रेशर सोर जिसको हम बोलते हैं, तो अगर आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि हाँ भाई आप ICU में काम करते हो, कर रहे हो, तो आपका एक पेशेंट है, उसको लंबे समय से वो बेड रिडन पेशेंट है, उसको मान लो उसको बेड सोर हो जाता है, तो आप क्या केयर करोगे एज ए नर्सिंग स्टाफ, तो वो आपको पढ़ना है, क्या क्या उसके ऊपर हम लगा सकते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी उसको हम दे सकते हैं, या मतलब जो भी उसकी केयर करेंगे ना, जो भी बेड सोर की, तो वो आपको थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में आपको पढ़ना है, तो वो आपको पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वो आपको पूछेंगे ACLS के बारे में और BLS के बारे में, वो ये तो नॉर्मल है, हर कोई पूछता ही है कि अगर आपके पेशेंट को कार्डिक अरेस्ट हो जाता है तो क्या करोगे आप, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, उसको आप बता सकते हो। ACLS एडवांस कार्डिक लाइफ सपोर्ट और बेसिक लाइफ सपोर्ट आपको पूछ सकते हैं कि बताओ इसमें क्या क्या होता है, इसके क्या क्या स्टेप्स हैं, अगर पेशेंट क्रैश हो गया तो आप क्या करोगे, कौन कौन सी मेडिसिन है पेशेंट के पास रखोगे, क्रैश कार्ट में मतलब जो भी क्रैश कार्ट है उसको लेके आना है, वहाँ पे जो जो भी हम करते हैं, इंटूबेशन करते हैं, ये करते हैं, वो जो जितना भी मतलब आप करते हो ना, वो सब पूछेंगे आपसे। और नेक्स्ट वेंटिलेटर, अगर आप ICU स्टाफ हो, ICU के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो वेंटिलेटर का आपको पता होना चाहिए, तो वेंटिलेटर में आपने उसके मोड पढ़ने हैं, उसके कौन कौन से मोड्स हैं, किस मोड पे हमने पेशेंट को डाला हुआ है, फिर पेशेंट को वेन ऑफ कर रहे हैं तो कौन से मोड पे, जैसे उसका CPAP होता है, और मतलब जितने भी उसके मोड होते हैं ना, वो सारे पढ़ के जाने आपके, ठीक है। और अगर नेक्स्ट वो ऐसे पूछ सकते हैं कि आप ICU में काम कर रहे हो, एमरजेंसी से कोई पेशेंट आता है, पेशेंट बहुत सिक है, तो उसकी क्या क्या मैनेजमेंट करोगे, उसके बारे में आप थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। और जो बायोमेडिकल वेस्ट है, वो तो हर कोई पूछता ही पूछता है कि बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में बताओ, कलर कोड बताओ, कौन कौन से बिन्स होते हैं, बिन कौन कौन से रखते हैं, और उसमें क्या क्या कलर है, उसमें क्या क्या डालते हैं कलर कोड के वाइज, ठीक है, वो आपने पढ़ना है। और GCS के बारे में पूछ सकते हैं कि मरे हुए पेशेंट का GCS क्या होता है, कितने GCS पे आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है कि पेशेंट की जो हालत है वो ख़राब हो रही है, ग्लासगो कोमा स्केल बोलते हैं इसको, तो जो ICU में पेशेंट्स होते हैं जितने भी, या वेंटिलेटर पे जो पेशेंट्स होते हैं, या किसी सर्जरी के बाद कोई पेशेंट होता है, तो उनका हम GCS मेज़र कर दें, ठीक है। और उसकी आपको नंबरिंग जो मेन है, उसकी नंबरिंग आपको पता होनी चाहिए, आई रिस्पॉन्स उसका क्या है, वर्बल रिस्पॉन्स क्या है, और मोटर रिस्पॉन्स क्या है,
ठीक है, ये पढ़ना है। और एक नेक्स्ट आप लास्ट पे लैब टेस्ट जो होते हैं उसकी नॉर्मल वैल्यू पता होनी चाहिए, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स की नॉर्मल वैल्यू, TLC, DLC, HP की नॉर्मल वैल्यू, ABG की नॉर्मल वैल्यू, ABG के बारे में भी पढ़ लेना थोड़ा, ठीक है। तो ये जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताए हैं ना, ये सारे पॉइंट आपको पढ़ के ही जाने हैं, और अगर आप ये सारे पढ़ लोगे ना तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी इंटरव्यू होगी जो इस क्वेश्चन से बाहर आ सकती है, मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको अलग से पूछना है। ये सब रेपिटेटिव क्वेश्चन है मैंने जो आपको बताए हैं अभी, ठीक है। तो सिलेक्शन आपकी पक्की हो जाएगी, अगर नहीं होगी तो भाई तुम्हारा बैठा है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपको लगवाऊंगा अपने हॉस्पिटल में, ठीक है। तो बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, जाते जाते आप सब्सक्राइब करो। और नेक्स्ट वीडियो मैं और बहुत सारी वीडियो ऐसे लेके आऊँगा इन्फॉर्मेटिव वाली, आपके बहुत काम आएगी, ठीक है। तो जाते जाते सब्सक्राइब कर देना, तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।